दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आप बहुत ही आसानी से EPF अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी आपका EPF हो। इसके लिए सबसे पहले हम पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। पासवर्ड फॉरगेट पर क्लिक करें और यहाँ अपना UN नंबर डालें। UN नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चा लिखा होता है, इस कैप्चे को ध्यान से भरें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक या कैप्चा डालकर हम प्रोसेड पर क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। सबमिट कर दिया, सॉरी गलत कैप्चा डल गया है, इसे सही करके डालेंगे। सबमिट पर क्लिक कर दिया, यस दबाया, ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया है वो इसके अंदर डालें और वेरीफाई करें। और हाँ, ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, लिंक होया होना चाहिए। यहाँ OTP डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पासवर्ड, जो आपको नया पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बना लीजिए। कंफर्म पासवर्ड डालें, सबमिट करें। ये पासवर्ड सक्सेसफुल हो चुका है, चेंज हो चुका है। यहाँ अपना UN नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने पासवर्ड डिटेल हिडन कर दिए हैं। यहाँ पासवर्ड, UN नंबर और पासवर्ड, और नीचे कैप्चा भरेंगे। कैप्चा डालने के बाद सिंग पर क्लिक करेंगे। अब यह साइट खुल कर आ गई है, वेरीफाई कर दीजिए। अब यहाँ हम जाएंगे अकाउंट में, ये UN कार्ड है यहाँ से, और ये अकाउंट सेटिंग है। यहाँ आप अपनी पासबुक जो भी देखना है आपको कर सकते हैं। हम क्लेम पर जाएंगे, क्लेम पर हमेशा ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर ही क्लिक करें। यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालें और वेरीफाई पर क्लिक करें। अपनी डिटेल चेक कर लें, जो मैंने की हेडिंग कर रखी है, मोबाइल नंबर, ये अगर वगैरह सब कुछ, वेरीफाई दबाएं। सबमिट दबाएं। यहाँ हम ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर ये क्लिक करेंगे। यहाँ हम कोविड की वजह से जो भी आपको रीज़न हो वो रीज़न दे रही है, हमने यहाँ रीज़न दिया है COVID-19 वाला, इस पर हमने क्लिक किया। और हमें जब हमें जितना फंड चाहिए उतना फंड हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ एम्प्लॉय का एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ हमने पूरा एड्रेस डाल दिया है, स्टेट सेलेक्ट कर ली और ये
मेरठ। यहाँ हम चेकबुक की पासबुक, चेकबुक जो है, चेकबुक या पासबुक वो दोनों में से कोई एक अटैच कर देंगे। वेरीफाई कर देंगे। ये फाइल में जाने के बाद जहाँ पर भी आपने सेव किया हुआ है वो अपलोड कर देंगे। ये खुलकर आएगा, जैसे मैंने चेकबुक अपलोड की, चेक अपलोड किया है इसमें, तो हम वेरीफाई कर देंगे। टर्म कंडीशन पर राइट लगाकर चेक मार्क पर, चेक बॉक्स पर, यहाँ रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, OTP सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा एक ऑप्शन रह गया था मेरठ लिखना, जो सिटी था, हमने सिटी लिख दिया और क्लिक कर दिया। क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से हम फॉर्म निकाल लेंगे। ये फॉर्म खुल के आ गया है, इस फॉर्म को निकाल के अपने पास रख लेंगे या सेव करके PDF में रख लेंगे या प्रिंट में निकाल के दे देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। यहाँ आपका जो भी आपका प्रिंटर है वो सिलेक्ट करके प्रिंट दबा दीजिए। अब आपका प्रिंट तैयार है और 48 घंटे से 7 दिन का वेट करिए, सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इससे जुड़ा जो भी सवाल हो उसके लिए कमेंट करें, कमेंट जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। ये प्रिंट हो गया है पूरा का पूरा फॉर्म, जो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह आप 5 मिनट में EPF अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। ओके, बाय दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।